सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सी एस। और इस वीडियो में हम बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, दो सेम हो गए। सो फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट्स हैं। सो इस वीडियो में हम पूरा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आपकी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आप भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, किस तरीके से फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे आपके सामने। सो एक जस्ट एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और कई सारे बच्चे बोल ही रहे थे कि भैया प्लीज़ बताओ यार, भैया प्लीज़ बताओ हमें क्या करना है फर्स्ट ईयर में, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। सो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपके दो सेमेस्टर हो गए, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। सो ये वीडियो प्योरली सेमेस्टर वन के ऊपर है कि आपके सेमेस्टर वन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। सो सेमेस्टर वन में आपको मेजरली 6 सब्जेक्ट्स हो गए। एक सब्जेक्ट होगा वो नॉन क्रेडिट होगा, बाकी 5 सब्जेक्ट जिसकी एग्जाम आपको देनी होगी उसके क्रेडिट्स काउंट हो गए। सो वो मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो जानते हैं इन 5 सब्जेक्ट में मेजरली क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स वन। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स वन में क्या आएगा, सॉलिड स्टेट आएगा, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आएगा और नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, ऑप्टिक्स वन आ जाएगा। ऑप्टिक्स वन में क्या आता है, इंटरफियरेंस। सो सबसे पहले ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका मेजर पोर्शन कवर होगा। इसमें आपने एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ा होगा फिजिक्स का, और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर पढ़ा होगा। सो ये सब चीज़ें होती है फिजिक्स में। और फिर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वन। सो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वन में आपको क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम का स्ट्रक्चर क्या है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वही इसमें भी आपको वही सब चीज़ें पढ़नी है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। और फिर आता है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, कौन कौन से इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं एटम्स के बीच में, ये भी आपने क्लास 11th 12th में पढ़ाई है। फिर पॉलीमर्स और फिर वाटर। वाटर थोड़ा नया लग सकता है, पॉलीमर्स के आपके मोस्ट ऑफ दी पॉलीमर्स सेम होते हैं, बट कुछ चेंजेस है इसमें, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पॉलीमर्स के बारे में। सो ये था इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वन। सो गाइस, अभी हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे। थर्ड सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन में आपको क्या आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसके बाद लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन आपके लिए नया हो सकता है, साइन HX सुना होगा, कॉस HX सुना होगा, वो कैसे डिराइव होता है, वो सब चीज़ें इसमें हैं। फिर आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो यही थे मेजर मैथ्स में। आपको मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपने क्लास 11th 12th में पढ़ा है, वो चले जाएगा, बट जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे, फिर लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शन, उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उस पर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये अब डिफरेंशिएशन आपके 11th 12th वाला जैसा नहीं रहा, इसमें बहुत एडवांस चला गया है। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमारे सर तो स्ट्रिक्ट थे, इसलिए हमारा अच्छे से निकल गया, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट आपको बहुत फोकस रख के पढ़ना पड़ेगा मैथ्स वन। फिर आता है BEE या फिर BEEE भी कह सकते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो इसमें आपको आता है AC सर्किट, DC सर्किट। मेनली आपको DC सर्किट सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। DC सर्किट में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वही सब चीज़ें होगी, बट थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा इस बार इतना, जैसे 11th 12th में सिंपल सर्किट आते थे वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है। सो आपको DC सर्किट होगा, उसके बाद DC नेटवर्क होगा, नेटवर्क मतलब रेजिस्टेंस का जाल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उसमें। फिर आता है AC सर्किट आप जो है जो क्लास 12th में पढ़ा था वही होगा AC सर्किट में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सेंसर्स, कौन कौन सा सेंसर्स यूज़ होते हैं वो सब है। सो BEE में आपको मज़ा आएगा, सेंसर्स के साथ डील करनी होगी और सेंसर्स के साथ खेलने में मज़ा भी आता है, बस सिर्फ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो प्रॉब्लम्स आपको ध्यान देना है। फिर आता है फिफ्थ सब्जेक्ट, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अगर आपने 11th 12th में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा, लॉज ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उस पर ज़्यादा अगर आपने फोकस किया होगा 11th 12th में, तो आपको इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा, क्योंकि वही सब चीज़ें इस बार इंजीनियरिंग में भी आपको वही सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। सो मैकेनिक्स में आता क्या है, मैकेनिक्स में आएगा कोप्लेनर फोर्सेस, फिर कोप्लेनर फोर्सेस का इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट फोर्स निकालो, उसके बाद फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल आएगा, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आएगा। सो मैकेनिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैकेनिक्स आपको सिर्फ सेमेस्टर वन में देखने को मिलता है, BEE भी सेमेस्टर वन में ही देखने को मिलता है। सेम टू में मैकेनिक्स और BEE नहीं आते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सेम टू में, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सेम वन में भी रहेगा और सेम टू में भी रहेगा।
सो मैकेनिक्स एकदम हलवा है, मैंने बोल दिया। उसमें आपने जो 11 12th में पढ़ा है वही पूरा आएगा आपको। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स इक्विवेलेंट निकालो, फिर रोटेशनल मोशन कैसे होगा, सर्कुलर मोशन कैसे होगा, उसके जो भी फॉर्मूलेज है वही सब चीज़ें इसमें ही पूछी जाएगी। सो मैकेनिक्स में अगर आपका ध्यान कम भी लगे तो भी आपको हो जाएगा, आपको बस FBD बनाना आना चाहिए और फोर्स का इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर मैकेनिक्स। सो गाइस यही मेजरली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिक्स और BEE EEE। सो ये 5 सब्जेक्ट्स पे आपको फुल फोकस करना है। फिर एक छठा सब्जेक्ट होता है वो नॉन क्रेडिट होता है, उसकी एग्जाम नहीं होती, बस उसका प्रैक्टिकल अटेंड करना होता है। सो छठा सब्जेक्ट होता क्या है, वो छठा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत बोरिंग भी होता है। सो वो सब्जेक्ट है, वो है आपका वर्कशॉप /IKT। अब किन बच्चों का वर्कशॉप होगा और किन बच्चों का IKT होगा। IKT क्या है, इंडियन नॉलेज सेंटर। उसमें आपको एशियंट जो हिस्ट्री है, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना SST में, सोशल साइंस में, सो वही हिस्ट्री आपको IKT में ही पढ़ाएंगे। बहुत बोर करेंगे, कोई लेक्चर उनका अटेंड करता नहीं है IKT का, और वर्कशॉप का आपको अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकली मतलब सबमिट करना होगा आपने जो भी चीज़ बनाई होगी फर्स्ट ईयर में, सो आपको फिजिकली सबमिट करना है, सो आपको वर्कशॉप को अटेंड ज़रूर करना होगा। सो गाइज यही था छठा सब्जेक्ट IKT/वर्कशॉप। आपको दो में से एक हो सकता है, अगर वर्कशॉप पहले सेम में रहा तो दूसरे सेम में आपको IKT होगा, अगर IKT पहले सेम में रहा तो दूसरे सेम में आपको वर्कशॉप होगा। सो गाइज ये जितना ही मैंने बोला वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से बोला, ऑलमोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सब ऐसा सिमिलर चलती रहती है, और सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ऊपर नीचे टॉपिक्स का, बट ऐसा यही मेजर पोर्शन होता है। सो गाइज ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपने जो 11th 12th में पढ़ा है वही वापस रिपीट होगा, बट थोड़ा सा डिटेल्ड में होगा। और फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, सिविल से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, सबको यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती है और फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। सो मेजरली फर्स्ट ईयर में आप ध्यान देना, अच्छे CGPA लाना, और यही है मेरा। और बच्चे पूछेंगे अभी कमेंट्स में, भाई आपके कितने CGPA आए। सो मेरे ऑलमोस्ट 8.07 आए थे फर्स्ट सेम में DJSC कॉलेज में, द्वारकादास जी सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में, वहाँ पे IT डिपार्टमेंट में मैं अभी हूँ। और यही था। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, काउंसिलिंग एंड ऑल्सो अबाउट द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। सो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं, चलो।